लापता हनीप्रीत का सुराग हासिल करने के लिए पुलिस ने डेरा चेयरपर्सन विपासना से 3.5 घंटे तक पूछताछ की। नेपाल भाग चुकी मोस्ट वांटेड हनीप्रीत। डेरा चेयरपर्सन विपासना ने पुलिस को पूछताछ में बताया, नेपाल भाग चुकी हनीप्रीत राम रहीम को रोहतक जेल छोड़ने के बाद सिरसा के डेरे में आई थी। हरियाणा पुलिस ने जारी की पंचकुला में हिंसा फैलाने के 43 आरोपियों की लिस्ट। लिस्ट में सबसे ऊपर हनीप्रीत का नाम, डेरा के प्रवक्ता आदित्य इंसा भी नाम में शामिल। फतेहाबाद डेरा के पूर्व प्रमुख और राम रहीम के राजदार साधु हंसराज ने डेरा को लेकर के बड़े खुलासे। कहा, राम रहीम अपने भक्तों को डराकर उन पर राज करता था। नेपाल में भी हैं राम रहीम के भक्त। रोहिंग्या मुसलमानों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए केंद्र सरकार ने कोर्ट में 16 पन्नों का हलफनामा दायर किया। कहा, रोहिंग्या मुसलमानों का देश में रहना गैरकानूनी। रोहिंग्या मुसलमानों से देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा। रोहिंग्या मुसलमानों को भारत से बाहर करने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जो भी फैसला होगा वो कोर्ट लेगा, कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। रोहिंग्या मुस्लिमों को आतंकी ट्रेनिंग देने भारत पहुंचे अलकायदा के संदिग्ध आतंकी शुमोन हक को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा। उरी आतंकी हमले की पहली बरसी आज। पिछले साल 18 सितंबर को आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में आर्मी कैंप पर हमला किया था। हमले में 19 जवान शहीद हो गए थे। हमले के बाद भारतीय सेना ने की थी सर्जिकल स्ट्राइक। मोदी सरकार में सहयोगी, शिवसेना महंगाई के मुद्दे पर महाराष्ट्र में बड़ा आंदोलन करेगी। संजय राउत ने कहा, केंद्र और राज्य में बीजेपी के साथ रहना है कि नहीं, इस पर जल्दी ही उद्धव ठाकरे लेंगे फैसला। पटना में जेडीयू नेता संजय सिंह ने कहा, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ही हैं, पार्टी उनके दिशा निर्देशों पर ही चलती है और शरद यादव नकली लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। बागी शरद यादव गुट ने छोटू भाई वसावा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक अनुशासनात्मक समिति का भी हुआ गठन। तमिलनाडु की राजनीति में नया मोड़। स्पीकर ने दिनाकरन समर्थक एआईएडीएमके के 18 विधायकों को अयोग्य घोषित किया। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकते हैं दिनाकरन समर्थक विधायक। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक विधायकों और मंत्रियों के 3 साल के कामकाज की समीक्षा का काम चल रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता नारायण राणे 21 सितंबर को अपनी आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। बीजेपी में जाने की है चर्चा। 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी वाईसी मोदी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए के प्रमुख बनाए गए। 2002 दंगों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाए गए एसआईटी का हिस्सा रह चुके हैं वाईसी मोदी। नौकरी करने वाले पुरुषों को पिता बनने पर 3 महीने की छुट्टी देने वाले बिल को संसद के आगामी सत्र में चर्चा के लिए लाया जाएगा। कांग्रेस एमपी राजीव साठव ने दिया है बिल का प्रस्ताव। मोबाइल पेमेंट सिस्टम में कदम रखते हुए गूगल ने ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट वॉलेट और ऐप तेज लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए यूजर पैसे भेजने, बैंक अकाउंट्स, पेमेंट रिसीव करने और बिल का भुगतान कर पाएंगे। एंड्रॉयड ऐप और आईओएस पर इस प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। गुजरात में 2002 में हुए नरोदा ग्राम दंगा केस में अमित शाह ने कोर्ट में गवाही दी। बोले, माया कोडानी उस वक्त मेरे साथ विधानसभा में थी। गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडानी पर नरोदा ग्राम में दंगा फैलाने का आरोप है। अमित शाह ने कहा, 28 फरवरी 2002 को सुबह 8:30 बजे वो लोगों से घिरे हुए थे। पुलिस ने माया कोडनानी और उन्हें अपनी कार तक पहुंचाया। अमित शाह करीब 40 मिनट तक कोर्टरूम में रहे। इस दौरान उन्होंने विरोधी पक्ष के वकीलों के कई सारे सवालों के जवाब दिए। 11:05 पर सुनवाई शुरू हुई और 11:45 तक चली। अमित शाह के बयान का बचाव पक्ष के वकील ने स्वागत किया। बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि इस बयान के बाद माया कोडनानी को अपनी बेगुनाही साबित करने में मिलेगी मदद। गुजरात में बीजेपी की 3 बार की महिला विधायक माया कोडनानी तत्कालीन नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री थी। कोडनानी पर आरोप है कि दंगाई भीड़ का नेतृत्व उन्होंने किया था। माया कोडनानी पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मेरठ में महारैली में मिशन 2019 का किया आगाज। कहा, हिंदुत्व और आरएसएस का एजेंडा चला रही है बीजेपी। बोली, अपराध रोकने में यूपी की योगी सरकार नाकाम। यूपी में किसानों के साथ कर्ज माफी के नाम पर हुआ भद्दा मजाक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा ने आज विधान परिषद की सदस्यता की शपथ ली। मंत्री स्वतंत्र कुमार और मोहसिन रजा ने भी ली शपथ। इन सभी को एमएलसी के लिए निर्विरोध चुना गया है।
कल पूरे हो रहे हैं यूपी में योगी सरकार के 6 महीने। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश सरकार पर यूपी को पीछे ले जाने का आरोप लगाया। सीएम योगी कल गिनाएंगे अपनी उपलब्धियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली अखिलेश सरकार पर निशाना साधा, कहा अखिलेश सरकार भ्रष्ट सरकार थी, पिछली सरकार ने यूपी में विकास के काम को रोका था। भुवनेश्वर में पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प, ओडिशा में बीजेडी की सरकार है। पेट्रोल की बढ़ी कीमतों को लेकर यूपी के इलाहाबाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, मोदी सरकार से पेट्रोल की बढ़ी कीमतें वापस लेने की मांग। रायपुर में सीएम रमन सिंह ने जनसंवाद परियोजना का किया उद्घाटन, कॉल सेंटर की तरह काम करेगी जनसंवाद केंद्र, जनता देगी सरकारी योजना का फीडबैक। गुरुग्राम के डीसी विनय प्रताप सिंह के मुताबिक राज्य सरकार के आदेश पर रायन स्कूल के सभी अकाउंट्स टेक ओवर किए गए, शनिवार को अभिभावकों और शिक्षकों की मीटिंग बुलाई गई है। 9 दिन के बाद आज फिर से खुला गुरुग्राम का रायन स्कूल, 8 सितंबर को प्रद्युम्न के कब्जे के बाद से बंद था। 9 दिन बाद रायन स्कूल के खुलने पर प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने कहा जब तक सीबीआई जांच नहीं कर लेती है तब तक स्कूल को नहीं खोलना चाहिए था, स्कूल खोलने पर सबूत मिटाए जा सकते हैं। गुरुग्राम के रायन स्कूल में आज कुछ पेरेंट्स स्कूल से अपने बच्चों का नाम कटवाने के लिए पहुंचे, अभिभावकों ने कहा कि इस घटना के बाद वो अपने बच्चों को इस स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते। गाजियाबाद के जीडी गोयनका स्कूल में गिरकर मरने वाले छात्र अरमान सहगल के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीबीआई जांच की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को 15 अक्टूबर तक मामले के निपटारे के निर्देश दिए। यूपी के इटावा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 1 साल से फरार चल रहे 15,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में मार गिराया, थाना प्रभारी समेत 3 पुलिस वाले भी घायल। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग को अमेरिका ने सबक सिखाया, उत्तर कोरिया के ऊपर फाइटर प्लेन की मॉक ड्रिल करके दी चेतावनी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।